Hello, dear friend. Myself, Dr. Vishal Modi, and today I am going to prepare one video on demonstration of Cisco WebEx meeting software. As many of my viewers have requested to prepare one video on how to conduct the meeting on the Cisco WebEx software. So today I am going to give demonstration on the Cisco WebEx software. Okay. So first, we have to log in to Cisco WebEx software by using your email ID and your password. अभी मैंने ये लॉगिन कर दिया है. After the login, we have this type of windows. Okay? So on home page, there is a two options: start a meeting and schedule the meeting. Okay? मैं आपको ईच एंड एवरी फीचर्स ऑफ दिस सिस्को वेबएक्स सॉफ्टवेयर आपको इन डिटेल समझाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये स्टार्ट अ मीटिंग आता है तो इट इज फॉर द इंस्टेंट स्टार्टिंग ऑफ मीटिंग. अगर मीटिंग आपको तुरंत स्टार्ट करना है तो उसके लिए यूज होता है. एंड नंबर टू, इट इज शेड्यूल ऑफ मीटिंग. तो पहले मैं आपको एक स्टार्ट अ मीटिंग करके दिखाऊंगा और उसके बाद शेड्यूल मीटिंग करके दिखाऊंगा. ठीक है? तो लाइक मैं यहाँ पे स्टार्ट मीटिंग करता हूँ. तो जब मीटिंग स्टार्ट का मैंने क्लिक किया तो उसके बाद मेरे को सिस्को वेबएक्स वो पूछेगा कि आपको ये मीटिंग एप्लीकेशन में लेना है कि आपको ब्राउजर में लेना है. तो मैं उसको सिस्को वेबएक्स मीटिंग के अंदर जाऊंगा, सॉफ्टवेयर के अंदर जाऊंगा. क्यों? उसका एक बेनिफिट है, क्योंकि हम डायरेक्टली वहां से स्ट्रीम कर सकते हैं. हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे हम डायरेक्टली उसको स्ट्रीम कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं. अभी जो पूरा मीटिंग स्टार्ट होगा वो होगा सिस्को वेबएक्स मीटिंग के अंदर. So, यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हुआ है. नाउ सो स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपका पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई देगा. ऑन क्लिकिंग ऑफ स्टॉप वीडियो यू कैन स्टॉप योर विजुअल एंड क्लिक ऑन स्टार्ट वीडियो यू कैन स्टार्ट योर विजुअल. ओके, देयर इज अ ऑप्शन ऑफ म्यूट एंड अनम्यूट. इफ यू म्यूट योर सेल्फ देन योर वॉइस नॉट रीचेबल टू योर पार्टिसिपेंट. इफ यू अनम्यूट yourself, then your voice are reachable to your participants. Okay? Now there is an option of recording. You can start the record. So recording is started now. You can pause or you can stop the recording by this option. Our meeting already start to record. Okay? Now there is a few options is here. You can log the meeting by the clicking on here. कोई अनजान व्यक्ति भी हमारी मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएगा. जब हम उसको अलाउ करेंगे तभी वो ज्वाइन कर पाएगा. ओके, सो ये जब मीटिंग आपका स्टार्ट हो जाता है, आप आपका वीडियो इनेबल कर देते हो, म्यूट जो ऑप्शन है वो इनेबल करते हो, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हो. उसके बाद आप आपके पार्टिसिपेंट को इन्वाइट करोगे. तो इन्वाइट कैसे करोगे? तो आपको कॉपी मीटिंग लिंक पे क्लिक करना है. ये क्लिक करने के बाद आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या जो दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप डिसेमिनेट कर सकते हो इसको. आप कॉपी पेस्ट करो और वो मैसेज आपका पहुंच जाएगा वहां पे. नाउ अभी आप देखो मीटिंग के अंदर वो बंदा ज्वाइन होगा. जैसे कि मैंने क्लिक वहां पे लिंक भेजा हुआ है, तो लिंक भेजने के बाद जो सेकंड बंदा है या जो भी पार्टिसिपेंट है वो ज्वाइन हो गए बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक. अभी वो ज्वाइन हो रहा है और जब ज्वाइन होगा तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट का लिस्ट में आ जाएगा वो. तो यहाँ पे दूसरा पार्टिसिपेंट आ गया है ऑलरेडी. सो मैंने जो लिंक शेयर किया उसके थ्रू अभी दूसरा पार्टिसिपेंट एक ज्वाइन हो गया है मेरे मीटिंग के अंदर. ओके, समटाइम क्या होता है, जब पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो जाते हैं तो नोइंगली और अननोइंगली दे अनम्यूट देमसेल्फ. तो उसके कारण क्या होता है, मीटिंग के अंदर डिस्टर्बेंस होता है. तो हमको क्या करना है, क्लिक करना है म्यूट ऑल. तो एक साथ सभी पार्टिसिपेंट म्यूट हो जाएंगे यहाँ पे. फिर उसके बाद अगर किसी को बात करना है तो वो अपने आप यहाँ पे जाके अनम्यूट कर सकता है और वो बात कर पाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम करेंगे. अगर मेरे को ये मीटिंग को लाइव स्ट्रीमिंग करना है देन स्टार्ट द लाइव स्ट्रीमिंग. तो वहां पे प्लेटफॉर्म आएंगे IBM वीडियो स्ट्रीमिंग, फेसबुक लाइव एंड अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक यूट्यूब. अगर मैं फेसबुक लाइव करना चाहता हूँ तो मैं फेसबुक लाइव पे क्लिक करूंगा. Then, जो भी हमारा टाइटल होगा, हमारा टॉपिक होगा मीटिंग का, वो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा. क्लिक करने के बाद शेयर ऑन योर टाइमलाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, मेरा फेसबुक अकाउंट है.
मैंने ऑलरेडी मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड किया हुआ है. ओके सो मेरे को यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक डालना है मेरे मीटिंग का एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग. तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट दी स्ट्रीमिंग ऑन दी फेसबुक. ओके यूट्यूब पे भी सेम वे आपको वैसे जाना है. आपका यूट्यूब चैनल का जो आईडी है वो कॉपी करके इसमें ऐड करना है. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी सिखाऊंगा कैसे यूट्यूब स्ट्रीमिंग करना है. ओके उसके बाद लॉक मीटिंग आता है कि कोई बंदा समझ लो कि हमारा सब पार्टिसिपेंट आ गया है तो फिर हम लॉक मीटिंग कर सकते हैं. मीटिंग एक बार लॉक हो गया और पर्सन उसको ऐड होना चाहता है मीटिंग के अंदर आना चाहता है तो वो लॉबी में आपको दिखाई देगा. यहाँ पे लॉबी में सी दिखाई देगा कि आप वो पर्सन को एनरोल करना है मीटिंग में या नहीं करना है. वो इट इज डिपेंड्स ऑन द होस्ट. ओके ड्यूरिंग द मीटिंग अगर होस्ट को कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा अपना, तो वो अपना प्रेजेंटेशन शेयर करेगा. तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है कि आप शेयरिंग पे जाओगे तो शेयरिंग पे आपको पूछेगा कि क्या आपको शेयर करना है. तो जैसे कि वर्ड है जो भी आपकी टेम्पलेट खुला होगा वो टेम्पलेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा. तो अभी मेरे को एक प्रेजेंटेशन देना है तो मैं मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो शेयर करता हूँ यहाँ पे. सो शेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है. नाउ अभी मेरा शेयरिंग स्टार्ट हो गया है. नाउ आई कैन रिप्रेजेंट माई प्रेजेंटेशन टू माई मेंबर्स ऑफ द मीटिंग. यू कैन शेयर योर कंटेंट विथ योर पार्टिसिपेंट्स. ओके मैं अभी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ. सो ये मैटर हुआ शेयरिंग का. ओके नाउ ड्यूरिंग द मीटिंग अगर कोई किसी पार्टिसिपेंट को आपके साथ चैटिंग करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है. एवरीवन मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट मेंबर है वो सभी के साथ चैटिंग होगा हाय, तो ये मैसेज सबको जाएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ विशाल मोदी, क्योंकि यहाँ पे मैं जो होस्ट की तरह मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ विशाल मोदी को मैसेज करना है तो हाय, तो ये मैसेज प्राइवेटली सिर्फ विशाल मोदी को जाएगा. तो एक ये ऑप्शन है बढ़िया वेबएक्स मीटिंग के अंदर. देन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है शेयर, शेयर ऑन वेब ब्राउजर, व्यू इन अ फुल स्क्रीन पैनल्स, ऑडियो एंड वीडियो विजुअल. ओके देन कैमरा, दिस इज ऑप्शन फॉर पार्टिसिपेंट, म्यूट मी, म्यूट ऑल, अनम्यूट ऑल, एंटर एंड एग्जिट टोन. यू कैन सेट अप योर मीटिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. देन मीटिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डर सेटिंग, स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग, अनलॉक मीटिंग, जो ऑलरेडी नीचे पूरा जो टैब है उसके अंदर ये सब चीज दिया हुआ है. ओके सो मैं इसको अभी एंड अप करता हूँ और आपको एक मीटिंग शेड्यूल करके दिखाता हूँ. ओके डियर लर्नर, सो हमने क्या किया कि जो इंस्टेंट मीटिंग हमने स्टार्ट करके दिखाया सिस्को वेबएक्स के ऊपर. नाउ अभी मैं मीटिंग को शेड्यूल करता हूँ और शेड्यूल की मीटिंग जब करता हूँ तो उसमें कौन से पैरामीटर्स मेरे को ध्यान में रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ. सो क्लिक ऑन दिस शेड्यूल. मैंने मीटिंग शेड्यूल किया. मीटिंग शेड्यूल करने के बाद मीटिंग का टॉपिक लिखना है आपको और मीटिंग का टॉपिक आप जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर ऑन एनसेड्स. आफ्टर दैट यू कैन सेट योर मीटिंग पासवर्ड. जैसे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 1 2 3 4 5. मीटिंग कब लेना है आपको समझ लो कि मीटिंग में 8 तारीख को लेने वाला हूँ और 8 तारीख को मैं 10 बजे लेने वाला हूँ. तो मैं यहाँ पे सेट करूंगा 10 o'clock. AM और PM आपको ध्यान में रखना है. मीटिंग कितने आवर्स का रहेगा, 1 hour का रहेगा तो यहाँ पे मैं 1 hour करूंगा. सो डन हो गया मेरा टाइमिंग. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मीटिंग विल स्टार्ट ऑन थर्सडे अक्टूबर 8 10 AM एंड ड्यूरेशन इज 1 hour. ओके उसके बाद अगर आप जो भी आपके पार्टिसिपेंट है उसको ईमेल थ्रू इनविटेशन भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दो. सिंपली आपके पास ईमेल एड्रेस का CSV फाइल होगा तो CSV फाइल आप डायरेक्टली ऐड करोगे तो सब ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा. ओके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे जो मीटिंग लिस्ट के अंदर ये ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ है. दैट्स व्हाई यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमको दिख रहा है. ठीक है ये हमारा मीटिंग सेटअप हो गया. उसके बाद हमको क्या करना है सो एडवांस ऑप्शन में जाना है. जब एडवांस ऑप्शन में जाते हो तो वहां पे आपका आता है ऑडियो कनेक्शन ऑप्शन. तो हमको ऑलवेज वेबएक्स ऑडियो रखना है. जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं मीटिंग के अंदर या एग्जिट देते हैं उसके लिए टोन नहीं रखना है क्योंकि वो डिस्टर्बिंग क्रिएट करता है. सो नॉट ऑन. मीटिंग का एजेंडा क्या है तो मीटिंग का एजेंडा आएगा लेक्चर ऑन एनसेड्स. बिकॉज एज आई एम अ फार्मेसी टीचर सो माई मीटिंग एजेंडा टू डिलीवर लेक्चर
on a specific topic. मेरा मीटिंग एजेंडा सेट हो गया. मीटिंग एजेंडा सेट होने के बाद मैं जाऊंगा शेड्यूलिंग ऑप्शन के अंदर. तो यहाँ पे को होस्ट का ऑप्शन रहता है. को होस्ट में क्या होता है कि अगर समझ लो कि मेरा मीटिंग चालू है, अगर अनफॉर्चुनेटली होस्ट लेफ्ट होता है तो को होस्ट ऑटोमेटिकली होस्ट बन जाता है और मीटिंग हमारा कंटिन्यू रहता है. ओके तो उसके लिए ये एप्लीकेशन रहता है. और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसमें ऐसा होगा कि जो बंदे ने मीटिंग ज्वाइन किया है फर्स्ट पर्सन ने, वो ऑटोमेटिकली को होस्ट हो जाएगा. ओके लेकिन मैं इसको इनेबल नहीं करता हूँ क्योंकि वो पावर है होस्ट का. और होस्ट क्या करेगा, वो डेजिग्नेट करेगा कोई भी बंदे को एज ए को होस्ट की तरह. देन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, मैंने यह ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है. तो क्या है कि मेरे को मैन्युअली जाके हर एक मीटिंग में रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी वेबएक्स एप्लीकेशन में सिखाया हुआ है. तो मैंने यहाँ पे वो क्लिक किया हुआ है. देन एक्सक्लूड पासवर्ड है. तो एक्सक्लूड पासवर्ड ऐसा हो जाता है कि अगर मैं जो बंदों को इन्विटेशन भेजता हूँ थ्रू ईमेल, तो वो ईमेल के अंदर ये मेरी मीटिंग का पासवर्ड नहीं जाएगा. तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो पासवर्ड नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं वो ऑप्शन डिजेबल किया हुआ है. तो क्या है कि मेरा मीटिंग का इन्विटेशन जाएगा तो साथ में पासवर्ड भी जाएगा, तो एक ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा पार्टिसिपेंट के लिए. देन इनेबल ब्रेकआउट सेशन. तो उसमें ऐसा होता है कि हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, 5 मेंबर का ग्रुप कर सकते हैं, 10 मेंबर का ग्रुप कर सकते हैं, ऐसे ब्रेकआउट कर सकते हैं. लाइक जैसे हम क्विज खेलते हैं एक ग्रुप के अंदर, वैसे हम लोग पूरा ग्रुप बना के क्विज कर सकते हैं लाइक दैट. उसके बाद है अनलॉक मीटिंग. तो अनलॉक मीटिंग में ऐसा है कि गेस्ट कैन ज्वाइन द मीटिंग, गेस्ट वेट इन द लॉबी अंटिल द होस्ट एडमिट देम, एंड गेस्ट कांट ज्वाइन द मीटिंग. तो ये ऐसा है कि अगर मैं मीटिंग लॉक करता हूं तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि गेस्ट को होस्ट एडमिट करेगा और गेस्ट ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा मीटिंग लॉक होने के बाद. तो ये सब ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि गेस्ट कैन ज्वाइन द मीटिंग. तो कोई भी बंदा आएगा तो वो इजीली मीटिंग ज्वाइन कर पाएगा. और ऑटोमेटिक लॉक भी मैंने यहाँ पे डिजेबल किया हुआ है, आप लॉक कर सकते हो. अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो मीटिंग चालू होने के बाद 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में मीटिंग ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो. उसके बाद है रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन में ऐसा है कि मैंने नन किया है तो जो भी पार्टिसिपेंट होगा उसको कोई डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिक्वायर अटेंडी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा. वो जो भी पार्टिसिपेंट होगा उसका फर्स्ट नेम आएगा, देन ईमेल आएगा, देन लास्ट नेम आएगा. उसके बाद भी हमको कुछ ऐड करना है और जॉब टाइटल, कंपनी नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, एड्रेस टू, उसका एड्रेस, सब क्रेडेंशियल आ जाएंगे और वो पूरा एक्सेल के अंदर एक शीट हमारा जनरेट होगा. ओके देन ईमेल रिमाइंडर. तो जब मीटिंग स्टार्ट होता है तो उसके 15 मिनट्स पहले या 5 मिनट्स पहले वो आप डिसाइड कर सकते हो कितनी मिनट पहले उनको रिमाइंडर देना है. तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट सेट किया हुआ है, इट इज आइडियल. तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिमाइंडर चला जाएगा, फिर से मेल वेबएक्स ऑपरेट कर देगा उनको. उसके बाद मीटिंग ऑप्शन आते हैं. तो मैं यहाँ पे एडिट मीटिंग ऑप्शन में जाता हूँ. तो मीटिंग ऑप्शन के अंदर 2 प्रिविलेज देते, एक तो पार्टिसिपेंट को प्रिविलेज देते और होस्ट को प्रिविलेज देते. तो मैंने पार्टिसिपेंट को क्या ऑप्शन दिया हुआ है, चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, उनको नोट्स मिलेगा, अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट टू टेक नोट्स, फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे. तो ये सब मैंने ऑप्शन दिया हुआ है उनको. दिस इज द प्रिविलेज टू पार्टिसिपेंट. नाउ अटेंडी प्रिविलेज. तो जो अटेंडी है यानी कि पार्टिसिपेंट है, तो उनको कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन भी इनेबल करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द शेयर कंटेंट, सेव, प्रिंट, एनोटेट, व्यू पार्टिसिपेंट लिस्ट, व्यू थंबनेल्स, कंट्रोल एप्लीकेशन व्यू, ये आप सब कंट्रोल अटेंडी को दे सकते हो. लेकिन इट इज बेटर टू कंट्रोल द गिविंग अ प्रिविलेज टू अटेंडी बाय द क्लिकिंग ऑन ओनली दे व्यू द पार्टिसिपेंट लिस्ट एंड व्यू थंबनेल्स एंड इफ पॉसिबल देन क्लिक ऑन द शेयर कंटेंट. देयर इज नो नीड टू गिव ऑल द कंट्रोल्स टू द अटेंडी. ओके उसके बाद क्या करना है आपको, ये पूरा हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया है, मीटिंग शेड्यूल हो गया है. आप ये नया टेम्पलेट भी सेव एज टेम्पलेट कर सकते हो. तो सेव एज टेम्पलेट करोगे तो यहाँ पे आप नाम दे दो विशाल, ये मैंने टेम्पलेट सेव कर दिया, ये मेरे नाम से टेम्पलेट सेव हो गया. अब अभी जब भी मैं मीटिंग कोई भी शेड्यूल करूंगा तो मैं डायरेक्टली वो टेम्पलेट यूज करूंगा तो पूरा उसका क्रेडेंशियल आ जाएगा. सिर्फ मेरे को मीटिंग का टाइटल चेंज करना पड़ेगा और उसका टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, बस
बाकी सब AHD सेटअप रहेगा। ओके मैं अभी क्लिक करूंगा शेड्यूल के ऊपर, ये मेरा मीटिंग शेड्यूल हो गया और उसके रिगार्डिंग ईमेल एड्रेस, ईमेल भी मेरे को आ गया होगा और होस्ट को भी ईमेल गया होगा होस्ट के ईमेल एड्रेस के ऊपर जिसने मीटिंग शेड्यूल किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पूरा यहाँ पर दिख रहा है, मेरा मीटिंग शेड्यूल हो गया है। लेक्चर ऑन एंड सेट्स, टाइमिंग इज 10 AM टू 11 AM थर्सडे 8 अक्टूबर। ओके ये मेरा मीटिंग शेड्यूल हो गया है। मेरे को अगर किसी और को भेजना है, ईमेल एड्रेस के मेरे पास नहीं है लेकिन उसको मेरे को ज्वाइन करना है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मीटिंग डिटेल्स। जब क्लिक करूंगा और मैं किसी बंदे को व्हाट्सअप करता हूँ तो उसके अंदर वो पूरा डिटेल्स चला जाएगा, लेक्चर्स ऑन एंड सेट्स, होस्टेड बाय प्रिंसिपल एस एवरी फार्मेसी थर्सडे लाइक दैट, ये मीटिंग का लिंक है। और अगर सम टाइम ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेंट के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है प्रॉपरली तो वो मीटिंग को ज्वाइन कर पाएगा थ्रू दी कॉल, तो उनको सिर्फ ये नंबर पे कॉल करना है जो टोल फ्री नंबर है मुंबई एंड पुणे का, वो नंबर पे कॉल करना है और ये मीटिंग का एक्सेस कोड देना है सो दे कैन ज्वाइन विद दी बाय टेलीफोनिकली। तो वो कोई भी एरिया में होगी, रूरल एरिया में होगी तो भी वो फोन के थ्रू ज्वाइन हो पाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, अभी ये सॉफ्टवेयर को मैं आपको समझाता हूँ सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो जब आप मीटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी आपका मीटिंग होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, शेड्यूल किया हुआ मीटिंग सब दिखाई देगा। देन आप जब रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी आपकी मीटिंग होगी वो सब मीटिंग का रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जस्ट आपको रिकॉर्डिंग अगर डाउनलोड करना है तो आपको क्लिक करना है डाउनलोड के ऊपर, तो वो तुरंत ही डाउनलोड आपके कंप्यूटर या पेन ड्राइव में हो जाएंगे। ओके ये रिकॉर्डिंग का पूरा पोर्शन आ गया, क्लिक करोगे तो आपका MP4 वीडियो आ जाएगा। ओके देन प्रिफरेंस, हम जब प्रिफरेंस में जाते हैं तो देयर इज अ फ्यू ऑप्शन। तो हमारा जो टाइमिंग जोन है वो चेन्नई कोलकाता वाला टाइमिंग जोन रखा हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश है एंड रीजन यूनाइटेड स्टेट लिया हुआ है हमने। देन माय पर्सनल रूम पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो माय पर्सनल रूम नेम इज एसएफएल फार्मेसी सिलवासा, और जो मेरा लिंक है वो भी मैं लिंक यहाँ पे डेवलप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के, समझ लो कि मैं यहाँ पे MODI लिखता हूँ मोदी, तो मेरा लिंक मोदी के नाम से आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ SSRCP तो मेरा SSRCP के नाम से लिंक होगा। ठीक है, सो लाइक दैट ये मीटिंग में शेड्यूल कर सकता हूँ। ओके ऑटोमेटिकली लॉक माय मीटिंग मैंने यहाँ पे डिजेबल किया हुआ है। नोटिफाई मी बाय ईमेल व्हेन समवन एंटर्स माय पर्सनल रूम लॉबी व्हाइल आई एम अवे, तो मेरे को नोटिफिकेशन भी मिलेगा कोई बंदा अगर ज्वाइन होता है तो। मैं को होस्ट को अलाउ कर सकता हूँ फ्रॉम माय पर्सनल रूम मीटिंग्स, और ये ऑप्शन भी मेरे पास है कि मैं उसको चूज करूंगा। ठीक है, देन शेयर कंटेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है एनीवन कैन शेयर कंटेंट माय पर्सनल रूम, लेकिन मैं मीटिंग में जाकर मैंने इसको कंट्रोल किया है कि मैं जिसको पावर दूंगा वही रिप्रेजेंट कर पाएगा। ओके फिर इसको सेव कर देना है। देन ऑडियो एंड वीडियो, तो दिस इज द ऑडियो वीडियो सिस्टम जहां पे आप जो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप के अंदर, अभी यहाँ पे जाके वो बंदा यहाँ पे डायल करेगा तो वो वीडियो लेक्चर थ्रू ज्वाइन हो पाएगा, और ये नंबर पे कॉल करेगा तो उसको ऑडियो थ्रू मीटिंग में ज्वाइन हो पाएगा। देन शेड्यूलिंग ऑप्शन, तो शेड्यूल में ऑप्शन सेंड अ कॉपी द ईमेल इनविटेशन टू मी, ये पूरा उसका सेटअप है। देन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में आपको कैसा व्यू चाहिए, उसमें दो टाइप के व्यू रहते हैं। जब कोई कंटेंट शेयर होता है तो जनरली हमको व्यू कैसा चाहिए, ऐसा एक्टिव स्पीकर व्यू चाहिए। यहाँ पे स्पीकर वो बोल रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे उसका कंटेंट शेयर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये व्यू शेयर किया हुआ है। और जब मीटिंग में कुछ शेयरिंग नहीं हो रहा है तो दिस इज द बेटर ऑप्शन, कि ग्रिड व्यू भी चलता है या एक्टिव स्पीकर एंड थंबनेल व्यू चलता है। तो ये मेरा रिकॉर्डिंग ऑप्शन है और यही फॉर्मेट में मेरा वीडियो या मेरा मीटिंग रिकॉर्ड होगा। देन इनसाइट, इनसाइट में ऐसा होता है कि जब आपका मीटिंग होस्ट हुआ है और मीटिंग में कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए, वीकली कितना मीटिंग हुआ है, पूरा यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा कितना मिनट्स का मीटिंग हुआ है लाइक दैट। ओके देन सपोर्ट मींस यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी इश्यू विद द सॉफ्टवेयर देन यू कैन सपोर्ट देम, ओके बाय द क्लिक ऑन दिस मेल। तो ये सब हुआ सिस्को वेबएक्स सॉफ्टवेयर का मीटिंग शेड्यूल करने का। अगर आपको मीटिंग कैंसिल करना है, कुछ इमरजेंसी आ गया या कुछ पॉसिबल नहीं है तो मीटिंग कैंसिल करना है, तो यू कैन डू बाय क्लिकिंग ऑन द मीटिंग।
जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट, कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो आप। जब कैंसिल होगा तो मैसेज आएगा कि पुशअप अटेंडी को मैसेज जाना है, मेल करना है, तो वो यस लेगा, वो सभी अटेंडी को भी वो इन्फॉर्म कर देगा कि मीटिंग कैंसिल हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सिस्को वेबएक्स मीटिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दी माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।